हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है, लेकिन चलिए, हुई तो मुलाकात। हर जगह वही स्थिति है दोस्तों। आज से आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो मैथ है स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग धीरज के साथ और अच्छे से गहनता से अध्ययन करते चलेंगे। कॉपी यानी कि नोट्स जरूर प्रिपेयर करते चलेंगे, जिससे आपको बाद में कभी भी अगर देखना हो वीडियो तो देख सकते हैं, अपने नोट से भी आप रेगुलरली पढ़ सकते हैं। तो कंटिन्यू हो जाइए आज से, और बहुत जल्द आपके सामने अंजलि मैम साइंस की क्लास स्टार्ट करने वाली हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से स्टडी करिए। फोर्थ सेमेस्टर के सारे क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, एग्जाम हो या ना हो इसकी कोई गारंटी अभी तो नहीं है, लेकिन एग्जाम होता है तब भी आपको पढ़ा दिया गया है। बहुत बच्चे जुड़े हैं, बहुत पहले से वो लोग पढ़ रहे हैं, जो नहीं जुड़े थे और जो नए जुड़े हैं वो अब जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों करड़ी, करड़ीगत राशि और करड़ी चिन्ह। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में, जो आपके यूपी टेट लेवल तक महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। करड़ी क्या होती है? पहले करड़ी का मतलब समझते हैं। करड़ी होती है एक मूल, जिसे हम रूट कहते हैं। रूट, रूट को इंग्लिश वर्ड है करड़ी का, और करड़ी तो आपको समझ में आ रहा है। करड़ी चिन्ह कैसे बनाते हैं हम लोग, इस तरह बनाते हैं। पहले समझ लेते हैं करड़ी क्या होता है। ऐसे संख्या जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल। अच्छा, ये मूल क्या होता है जो हम आपको बता रहे हैं, अभी सब कुछ क्लियर करेंगे। आप बस ध्यान से सुनते रहिए, लिखते रहिए। वर्गमूल मतलब सेकेंड, मतलब दूसरा मूल। घनमूल मतलब कि तीसरे की बात कर रहा है। चतुर्थ मूल का मतलब चौथे की बात कर रहा है। पांचवें का मतलब पांचवें मूल की बात करेगा। इस तरह 90 मूल तक जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह नहीं होते हैं, वे सभी करड़ी संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं और परिमेय संख्याएं की बात हुआ है, तो आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? नहीं पता है ना, क्योंकि आप लोग पिछला रिविजन नहीं करते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी थोड़े है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप अच्छे से इसको हैंडल कर पाते हैं तो आप हर जगह सक्सेस होंगे। अगर बात करें दोस्तों, जो आपका परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन का मतलब अगर बात करें, अगर यह लाइन है नंबर लाइन, बीच में जीरो होता है आपको पता है, और इसके लेफ्ट साइड में माइनस वाले अंक होते हैं, -1, -2, -3, -4, यह सारी संख्याएं होती हैं, और इसके राइट साइड प्लस वाले अंक होते हैं, +1, +2, +3। अब क्या सर प्लस वाले ही परिमेय संख्याएं होते हैं केवल? तो आप बोलेंगे नहीं बेटा, परिमेय संख्याएं ही मतलब यही वाले केवल नहीं होते हैं, इसके बीच में भी तो बहुत सारे, पॉइंट में, दशमलव में भी तो बहुत सारे अंक आएंगे। जैसे बात करें 1 और 2 के बीच में बहुत सारे दशमलव में अंक होंगे। अगर एक चीज़ हम बोलें आपसे, क्या 1/3 परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे जी परिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसी को हम लोग काट दें 0.3333 इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर आपसे बोला जाए क्या यह परिमेय संख्या है सर, तो आप बोलेंगे नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन अगर उसी को इस रूप में लिख दें ना तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? अगर हम बोलें क्या 2/3 परिमेय संख्या है सर, बताइए 2/3 परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे जी, क्योंकि यह पी अपन क्यू के फॉर्म में इसको हम लिख पा रहे हैं, इस वजह से 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर यह परिमेय संख्या है तो सर इसका जो पॉइंट वाला आएगा, जो दशमलव में आएगा, वह क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि बेटा इसका कोई लिमिट नहीं है, कहां तक जा रहा है, आपके दिमाग में तो यह संशय आ ही रहा होगा ना, यह है तो इसका कटा हुआ रूप यह क्यों नहीं है परिमेय संख्या? यह इस वजह से नहीं है क्योंकि यह कट ही नहीं रहा, मतलब फाइनली इसका कोई सलूशन नहीं आ रहा है कि 0.3 होगा, कि 0.34 होगा, कि 0.36 होगा, यह कटता चला जा रहा है जितने बार काटे। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होंगी जो डिवाइड ना हो सके। और एक बात, जो रूट में आती हैं वो भी परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे अगर बात करें √4, क्या √4 परिमेय संख्या है कि नहीं है, बताइए आप लोग, बताइए फटाफट, बताइए सारे बच्चे, बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है। छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्लास तो स्टार्ट हो चुका है आपका, बिल्कुल भी धैर्य बनाइए। जैसे थर्ड वाला हम लोग थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट किए, तो वैसे अब भी कंप्लीट होगा यह वाला भी। तो आप बोलेंगे सर यह परिमेय संख्या है, लेकिन सर आपने अभी कहा है कि जो रूट में आएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा, तो फिर से यहाँ से यह कहाँ से परिमेय संख्या हो गया? तो हम बोलेंगे बेटा √4 का जो आंसर आता है वह 2 आता है, और 2 को लंबा नंबर लाइन पे हम शो कर पाते हैं,
समझ आ गया, इस वजह से यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर बात करें रूट सिक्स का, क्या रूट सिक्स है परिमेय संख्या सर? रूट सिक्स है परिमेय संख्या सर? हम बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अगर हम चार की बात करें तो चार को देख रहे हैं रूट के अंदर दो गुणे दो हो रहा है, पेयर बन रहा है, लेकिन इसका कोई पेयर बन रहा है? यहाँ पे दो गुणे तीन आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। समझा गया? अब इसको नंबर लाइन पे हम शो ही नहीं कर सकते, तो कहाँ से परिमेय संख्या होगा? समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? लेकिन अगर इसी जगह बात करें 25 क्यूब रूट 125, यानी कि यह तीसरा मूल है, यह तृतीय मूल है, समझ रहे हैं? मतलब घन मूल है, यह घन मूल जिसे बोलते हैं। जब यह तीसरा मूल है तो यह क्या परिमेय संख्या है सर? हम बोलेंगे जी यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, 5 × 5 × 5 में डिनोट कर सकते हैं, इस वजह से परिमेय संख्या है। समझ आ गया कि नहीं? लेकिन यह 25 है कि नहीं है? बिल्कुल है। अभी कैसे सर? तो हम बोलेंगे क्योंकि इसे भी हम 5 × 5 में लिख सकते हैं। समझ आ गया? परिमेय संख्या सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, क्योंकि वह भी तो आएगा हमारा इस चैप्टर में। तो होल नंबर क्या होता है सर? होल नंबर सर बहुत दिन हो गया पढ़े सर, भूल गए, एक बार बता दीजिए, जरूर बताएंगे। जीरो से लेकर, होल नंबर का मतलब समझे, पूरा शून्य भी उसमें आ जाता है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं सबके सब होल नंबर के अंतर्गत आते हैं, संपूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर बात करें प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह चले जाइए आप इनफाइनाइट तक। ठीक है दोस्तों, समझते चलिए आप लोग, क्योंकि आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है सारी चीज़ें। दोनों चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हों तो आप एक चीज़ हमें बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि भैया सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताइए जो कि होल नंबर भी हो, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या भी बताइए जो कि संपूर्ण संख्या के अंतर्गत भी आता हो, यानी कि होल नंबर हो, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? जीरो बोलेंगे क्या? जीरो तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, फिर क्या होता है? वन होता है कि नहीं होता है? वन होता है ना, तो वन आपका क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर होगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा होल नंबर। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपसे बोलेगा कि बताइए ऐसा एक नंबर, या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको यूपी टेट वगैरह में, जहां भी दे आपको दे देगा √4, √6, √25, √28 ले लीजिए, और आपको दे दिया रूट में, मान लीजिए एक और नंबर दे दिया आपको, आपको दे दिया 0.33। अब इसमें आप बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो कि प्राकृतिक संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, होल नंबर भी है, और परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, तो आप क्या बताएंगे? चक पकाएंगे? नहीं, बिल्कुल, सर ने अभी बताया है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो, लेकिन इसे कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि इसे रूट में 2 × 3 होगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं? 7 × 4 मतलब 2√7 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन ये 1/3 है नहीं रियल में, यह तो है 3333। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? यह वाला। इस तरह पता कर लिए प्राकृतिक संख्या, होल नंबर और परिमेय संख्या क्या है, तो दो है, यानी कि यह रूट वाला 4। समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह क्वेश्चन आते हैं अब एग्जाम में, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आप लोग ध्यान देकर पढ़ाई करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, करणी। करणी का तो आपका करणी चिन्ह पता हो गया, करणी राशियों, करणी राशि का मतलब समझ रहे हैं? करणी राशि क्या होता है? करणी राशि का मतलब वही जो करणी राशि है उसी को वर्गमूल बोलते हैं, घन मूल बोलते हैं, चतुर्थ मूल बोलते हैं, पांचवा मूल बोलते हैं, .nवें मूल तक। जैसे बात करें वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, .. आप लेके चले जाइए nवें मूल तक। ये सब के सब क्या हो जाते हैं? आपके राशि है, इसे राशि के नाम से जानते हैं, करणी राशि जो होते हैं। जैसे अगर वर्गमूल की बात करें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना हो a, तो a लिख दिए, ये हमारा वर्गमूल हो गया। अगर हम बात करें इसी को कैसे और लिख सकते हैं सर, इसको सेम कंडीशन में ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी, और इसको किस तरह लिख सकते हैं सर, तो आप बताएंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला चीज़ देख रहे हैं, जो यहाँ पे दो है ना, इसी को उठा के हम क्या कर दिए, पावर में 1/2 कर दिए। अभी इस पर हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग घबराइए मत। अब घनमूल में क्या होगा? घनमूल में सर, घनमूल में जहाँ पे स्क्वायर आ रहा था यहाँ पे 2 लिख रहे थे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, बस हो गया, ये हो गया घनमूल। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं?
ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम कंडीशन है। अब चतुर्थ मूल में क्या होगा, चतुर्थ मूल को हम सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे चार लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं भैया ए, इस तरह लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए सारी चीज़ें आसान हैं, हम बता रहे हैं ना, बेहद आसान है, यह हमारे लेवल का नहीं है, आप यह समझना पड़ेंगे। हमारा लेवल तो बहुत हाई है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा अंदर से ना वो भावना आना चाहिए, अरे ये तो बहुत आसान है, क्योंकि सामने प्रकाश सर खड़े हैं, तो सारी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, आप अच्छे से सुनते रहिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए के पावर में 1/4 लिख सकते हैं। लेकिन अगर nवें मूल की बात करें तो nवें मूल को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ए के पावर में 1/n लिख सकते हैं। अब इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे। अब देखिए हम आपको ले चल रहे हैं कैसे। अब n की वैल्यू अगर बात करें, n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख देते हैं। अगर n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, क्या 1 हो सकती है n की वैल्यू? अगर n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 आएगा, और इसका आंसर क्या होगा, कोई बच्चा बता दे इसका आंसर क्या होगा? अगर यहाँ पे 1 होता है तो उसे क्या पढ़ते हैं, कोई बता देगा? इसको हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, देखते हैं आप लोग का आंसर क्या होता है इसके लिए, इसके लिए आंसर क्या होता है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम जरूर बताएंगे। अगर n बराबर 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? इसको सिंपल सा सिंपल तरीका है भैया, पहले अपने ध्यान में ये सारी चीज़ें केंद्रित कर लीजिए आप लोग, कि इसे हमको सीखना है तो आप सीख जाएंगे। और तीसरी चीज़, अगर घनमूल, अगर n की वैल्यू 3 लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्थ मूल, चतुर्थ मूल हो जाएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू अगर n ही है तो nवां मूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, nवां मूल, इसे nवां मूल कहते हैं। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे आपको दिखाए हैं कि a के पावर में 1/n, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आज आपको 2 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करवाएंगे, आप लोग को रट लेना है पूरा, जैसे हम रटे हुए हैं पूरा आप लोग को भी रट लेना है। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग ना, नोट कर लीजिए, करना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, थोड़ा सा भी स्पेस मिला करें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। अगर पहले क्वेश्चन की बात हम करें, अगर आपको अभी हम डिस्कस किए थे 25, यहाँ पे वर्गमूल की बात हो रही है, वर्गमूल की, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो 25 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब ये 25 के पावर 1/2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 5×5 के पावर 1/2। अब 5×5 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 के पावर में 2×1/2। अब यह 2 से कट गया तो आ गया 5×1=5, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसी जगह हम ले लेते हैं क्यूब रूट में 125, तो 125 का मतलब क्या, 125 के पावर में 1/3 होगा ना, समझ रहे कि नहीं? अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 5×5×5 के पावर में 1/3। अब सेम कंडीशन जो यह है 5×3, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 3×1/3, 3 से गया 5, इसका भी आंसर आ गया। तो कभी आप देखिए, यह क्वेश्चन तो अच्छा था, मतलब इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है उसे तो कैसे क्वेश्चन देगा पता है, एग्जामिनर यूपी टेट वगैरह में, सी टेट वगैरह में ऐसे दे देगा। ये तो डीएलएड लेवल का है, लेकिन अब हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं मैथ जिसमें आते हैं, तो उसमें बहुत सारे इसी क्वेश्चन को, हलवा क्वेश्चन होता है उसे घुमा कर दे देगा। जो स्क्वायर वाला यह होता है और यह वाला जो है, यह देख रहे हैं, इन्हीं दोनों में से बोल देगा, ये बताइए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, पहला आंसर। दूसरा में दे देगा जो इन दोनों की वैल्यू है वो 5 आएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। और नीचे दे देगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ए सही है केवल, मतलब कि पहले केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है, तो आपको लगाना क्या, 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि इसका भी आंसर 5 आएगा, इसका भी आंसर 5 आएगा, और इसका आंसर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस वजह से 1 और 2 दोनों वाला आंसर सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको चकपका देते हैं, आप लोग गलती करके चले जाते हैं, है ना। चलिए, और आप लोग कहते हैं सर ऐसे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं थे, अरे पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन तो वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का अलग है, बस और कुछ नहीं, क्वेश्चन सब सेम है, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर बहुत ईजी है, ये तो हम कर लेते हैं, कर लीजिए भैया फिर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने, फिर उसके बाद हम आपको स्क्वायर
याद करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे से आपके सारे जो पैटर्न है तो स्टार्ट हो चुके हैं, अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। आपको द्विघात वाला सारा जितने भी आपके घातांक नियम होते हैं उसको बताएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, आप लोग विश्वास के साथ करिएगा, आपको बहुत आनंद आने वाला है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, 2/3 क्यूब रूट यानी कि घनमूल इंटू 2/3 घनमूल इंटू 2/3 का घनमूल, ये देख पा रहे हैं आप। इसको अगर हम बोल दें कि आप सॉल्व करिए तो सारे बच्चे सॉल्व करेंगे इसको, इसका आंसर क्या आ जाने वाला है, जो ये 2/3 के बाहर जो 3 हमको दिख रहा है ना, यही हमारा घनमूल है। घनमूल को ही हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर 2/3 की पावर 1/3 ये सही है क्या? हम बोलेंगे बेटा ये तो केवल एक की हुई ना, ये तो केवल एक का हुआ है, इस तरह कितने नंबर हैं, 1, 2, 3 हैं, तो 3 हैं तो 3 की पावर 3 भी तो होगा। अगर इसको हम यहाँ से इरेज करें थोड़ा सा, इसको हम ऐसे बना दें, ऐसे, तो 3 तो पावर में है, उसके पावर 1/3 है, यानी कि 2/3 के पावर 3 × 1/3। बात समझ में आ रही है? बात में समझ में आ रहा है ना भैया? इसको इसको काट देंगे, आ जाएगा 2/3 इसका राइट आंसर। समझ में आया बचवा? अब देखिए, अगर हम बोले 512 इसका आंसर बताइए, अब बोले हम 512 इसका आंसर बताइए, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर हम बोले 1444 इसका आंसर बताइए, अगर हम बोले 1521 इसका आंसर बताइए। देखिए यह सब आपको अगर स्क्वायर याद रहेंगे तभी आप फटाफट निकाल पाओगे, इस वजह से हम आपको स्क्वायर याद करवाएंगे। 60 तक तो, 40 तक तो आपको रटने हैं, उसका तो 40 से 50, 50 से 60 ट्रिक बता दें याद करने का, बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि 95 का स्क्वायर बताइए, 95 का, ये दोनों क्वेश्चन आपको आंसर करने भैया कमेंट बॉक्स में, सबका आंसर आना चाहिए, इसका, इसका और यह, मतलब चार क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के रूप में, आपको चारों आंसर करने हैं बस। अब अगर हम बोले भैया कि 95 का आपको स्क्वायर बताइए, 95 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे पता है? 95 × 95, 5×5 यहाँ का जो आएगा वहाँ पे आप लिख देंगे, टाइम लगेगा ना, लेकिन अगर हम स्ट्रिक बता दे तो इसका, तो आप कहेंगे बताइए सर। ये सुनिए भैया, देखिए 9 के आगे क्या आता है, 10 आता है, तो 10 से गुणा करेंगे, 10×9=90, और 5×5=25, इस तरह जिसके भी लास्ट में 5 आएगा उसका स्क्वायर आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे बोलें 45, तो 4 के आगे क्या आता है, 4×5 और 5×5=25 चिपका देंगे, 4×5=20 और 25। अगर हम बोले 35 का स्क्वायर बताइए, तो आप बोलेंगे 3 के आगे क्या आता है, 4 आता है, 4×3=12, 5 का स्क्वायर 25, 1225, इस तरह निकालते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं आसानी से निकल रहा है हमारा क्या, स्क्वायर। अब हम बात करते हैं आपको सारा स्क्वायर याद कराने का, आप रटेंगे, हाँ रटेंगे भैया, रटना है स्क्वायर, अब कुछ नहीं करना है। चलिए स्क्वायर रटेंगे ना, रटाते हैं भैया। अब 1 का स्क्वायर सबको याद होता है, 2 का भी 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 यानी कि 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। उसके बाद 11 से लेकर 20 तक भी बहुत लोगों का याद होता है, लेकिन हम लिखते हैं। अब देखिए 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर कौन बता देगा, 17 का स्क्वायर बताइए, 17 का स्क्वायर कौन बता देगा भैया, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 होता है, यही तो होता है 324 भैया। देखिए महानुभाव, आप लोग अगर कोई गलती होती है तो पकड़ कर बताइएगा, ये नहीं बोलेगा सर नहीं आ रहा, अगर गलत कर दिए तो गलती हो जाती है इंसान से ही। तो 18 के बाद 19, जो 19 है, 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361। अगर बात करें 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बता देंगे भैया 21 का स्क्वायर 441 होता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो बता देंगे 22 का जो स्क्वायर होता है 484 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 23 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 529 होता है भैया। अगर 24 का स्क्वायर की बात करें तो भैया 576 होता है भैया। अगर 25 के स्क्वायर की बात करें
तो बता देंगे 25, 25 का स्क्वायर होता है, दो के आगे क्या आता है, तीन आता है, तो तीन दूनी छः, 625 होता है। 26 का स्क्वायर क्या होता है भैया, तो 676 होता है, 676 होता है। अगर बात करें 27 का स्क्वायर क्या होता है, तो बताएंगे 729 होता है, और 729 9 का क्यूब भी होता है, याद कर लेंगे। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784। 29 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 841, और 30 का तो 900। इसके बाद 31 का स्क्वायर क्या होता है, 31 का स्क्वायर 1024 होता है, क्या होता है, 961 होता है। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024 होता है। 33 का स्क्वायर क्या होता है, ये 1024 है, ठीक है, 33 का स्क्वायर क्या होता है, तो बता देंगे 1089 होता है। 34 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 34 यानी कि 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर 1144 होता है। बताइए 1144 नहीं होता है भैया, 4 × 16 नहीं, 1156 होता है, क्या होता है, 1156 की 1256 देख लेते हैं एक बार, 34 × 30 + 4 इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 × 12 = 2 कैरी 1, 3 × 9 = 10 0, 4 × 16 = 6 अतः 1 × 4 = 12 = 13 तो 6 × 3 = 5 1156 यानी कि सही 1156 चौथे का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर 4 × 3 = 12 और 5 × 5 = 25 36 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 36 का स्क्वायर यानी कि 37 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 36 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो बता देंगे भैया 1296 होता है, सर 1296 होता है, सही है कि नहीं, आप लोग थोड़ा सा चेक करते रहिए भैया, क्रॉस चेक करते रहिए। इसके बाद अगर बात करें, एक मिनट 36 का स्क्वायर 1296 होगा, 36 का स्क्वायर सही है, 6×36 ठीक है। 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 37 का बता दीजिए, 37 का स्क्वायर कितना होगा, 37 का स्क्वायर बता देंगे 1369 होगा, 1369। 38 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1444 हो जाएगा। देखिए 1444 आपको हम आंसर भी दिए थे, मतलब क्वेश्चन भी दिए थे, आपको सॉल्व कर सकते हैं अगर डायरेक्ट याद रहता है तो। 39 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बता देंगे भैया 1521 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबको पता है 1600 हो जाएगा। इसके बाद 41 का स्क्वायर क्या होगा, 41 का सारे लोग बताएंगे भैया 41, चलिए अच्छा इरेज कर देते हैं, इधर ही लिख देते हैं ना, इसको आप नोट कर लें, नोट करिए महाशय। देखिए 41 का स्क्वायर 1681, 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर कितना होगा 1764 16 के बाद देखिए 40 का स्क्वायर क्या था, 1600 था ना, अब 40 के बाद 41 आ गया, तो 1681 यानी 41 को जब 50 में से माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर 81। इसी तरह 16 के बाद क्या आता है 17, अब 42 को जब 50 में से माइनस करेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64। इस तरह करते चले जाइए अब 43 मतलब 17 के बाद 18, अब 43 को जब 50 से माइनस करेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर 49, 44 का स्क्वायर मतलब कि 18 के आगे 19, और जब 44 को माइनस करेंगे 50 में से तो 36, समझ गए कि नहीं, 6×6=36। इसी तरह सब आ जाएगा, आप लिख सकते हैं 20, 25। इसके बाद 46 का स्क्वायर 20 के बाद क्या आता है 21, 25 में से मतलब 25 से 5 4×16 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह आपके पास 47 यानी कि 47 का स्क्वायर 22 और 309 ये आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। इस तरह 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 22 क्या 23 09 यानी कि 04 ये आ जाएगा, ये होगा ना, सही है ना। इसके बाद 48 के बाद 49 का स्क्वायर 2401 आ जाएगा ये वाला। इसके बाद 50 का स्क्वायर 2500 सबको पता है सेम। अब 50 के बाद 51 से 60 तक आप कैसे करेंगे, देखिए 51 का स्क्वायर अगर बात करें तो 51 का स्क्वायर यहाँ पे क्या था 25, यहाँ 2500 आएगा ना 50 का स्क्वायर 2500। अब यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे उल्टा, 50 के आगे क्या आएगा मतलब 25 के आगे 2601 एक का स्क्वायर। इसके बाद 52 का स्क्वायर 2704 दो का स्क्वायर 4। इसके बाद 53 का क्या होगा 2800 यहाँ 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद 54 का स्क्वायर बता देंगे 2916 55 का स्क्वायर बता देंगे 30 5×25 इस तरह आप सारा लिख देंगे 60 का स्क्वायर 3600 60 तक तो सबको याद होना चाहिए भैया, सबको याद होना चाहिए। अगर आपसे बोल दें कभी हम बताइए किसका
रूट है, किसका रूट है, 2704 का आंसर क्या होगा? तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए जो 2704 है सर वह 52 होगा, इसका आंसर 52 होगा। अगर हम आपसे कभी पूछ दें बताइए 3025 किसका आंसर होगा, किसका वर्गमूल है, या वर्ग है, वर्गमूल है, तो बता देंगे यह सर है हमारा 54, यानी कि यह है हमारा 55 का वर्गमूल, किसका है 55 का, डायरेक्ट बताएंगे बिना सोचे बताएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह आपको हम तैयार कर देंगे कि आप एग्जाम को फोड़ के आएंगे। चलिए आप लोग फटाफट शेयर कर देंगे और जुड़ेंगे जरूर, डेली जुड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप जरूर जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, है ना। तो चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट डे।